देखो इन दो महाशयों को। यह तस्वीर महाराष्ट्र में आने वाले गढ़चिरौली जिले से सामने आई है। यह दोनों महाशय कोरची तहसील के बेड़गांव फॉरेस्ट इलाके में तैनात वन कर्मचारी है, जो शराब के नशे में मदहोश होकर लेटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि जहां ये दो शख्स शराब के नशे में सुस्ती ले रहे हैं, दरअसल वो इलाका बेड़गांव फॉरेस्ट के मोहगांव में आने वाली नर्सरी है। इसी नर्सरी में फॉरेस्ट के यह दो कर्मचारी मदहोश होकर शराब की पार्टी मनाई, जिसके बाद नशे में वही उसी नर्सरी में वो दोनों वन कर्मचारी सुस्त हो गए, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो वायरल होने के बाद दोनों वन कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। वागाड़े नामक फॉरेस्ट गार्ड और गहाने नामक राउंड ऑफिसर ऐसे सस्पेंड किए गए दोनों वन कर्मचारियों के नाम है। गढ़चिरौली में शराबबंदी होने के आपकर विभाग और पुलिस अधीक्षक लाख दावे कर ले, किंतु गढ़चिरौली जिले के कोने कोने से सामने आने वाली ऐसी तस्वीरें पुलिस विभाग और आबकारी विभाग के उन सभी दावों की हवा निकाल देती है। गढ़चिरौली जिले में आने वाले आबकारी विभाग महज दिखावे के लिए अपना दफ्तर खोलकर रखी हुई है। हमें मिली जानकारी के अनुसार जहां आबकारी विभाग का दफ्तर है, उसी दफ्तर से महज कुछ ही दूरी पर शराब की अवैध बिक्री होती है। आबकारी विभाग को अपने दफ्तर के आसपास चल रहे शराब के अवैध मैखानों की जानकारी ना मिलती हो, वो आबकारी विभाग पूरे जिले में अवैध शराब पर क्या अंकुश लगाएगी, जो एक बड़ा सवाल है। आबकारी विभाग तो छोड़ो, जिले की पूरी पुलिस व्यवस्था भी शराब तस्कर और शराब के अवैध विक्रेताओं के हाथ की कठपुतली हो चुकी है। यहाँ महज दिखावे की कार्रवाई होती है, लेकिन उनका वो अवैध धंधा तो पूरे जिले में खुलेआम चलता है। ऐसा नहीं कि किसी को इसकी जानकारी नहीं है, किंतु खुलेआम चलने वाले इस अवैध बिक्री पर कार्रवाई करेगा कौन? जिले के पुलिस अधीक्षक शराब तस्करों के लिए यम साबित हो रहे हैं, ऐसी जानकारी हमारे पास आ रही है। किंतु उसी यम की वो शक्ति कहाँ गायब हो जाती है, जहाँ गढ़चिरौली के कॉम्प्लेक्स एरिया से लेकर गांधी चौक, गुजरी जैसे इलाकों में खुलेआम शराब के मैखाने चलते हैं। जिले की क्राइम ब्रांच कही जाने वाली LCB क्यों हाथ पर हाथ धरे मौन रहती है? गढ़चिरौली में अवैध तरीके से शराब की स्मगलिंग होती है, शराब की खुलेआम बिक्री होती है, और यहाँ का पुलिस विभाग मौन रहता है। ऐसे में पुलिस विभाग से सवाल पूछना तो बनता है, कब होगी गढ़चिरौली में अवैध विक्रेताओं पर कार्रवाई? टीम VL 24 न्यूज़।